जय बाबा महाकाल, जय बालाजी सरकार। आज के YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ 4D हेल्थ रिस्टोरेशन सेंटर में। आज हम जो हमारा टॉपिक है ये टिश्यू रेमेडी के ऊपर है, जो होम्योपैथिक और में बायोकेमिक साल्ट होते हैं इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। डॉक्टर ससलर ने 12 साल खोजे थे हमारी बॉडी में, जिनका इम्बैलेंस की वजह से, जिनकी कमी की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अगर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब जो होते हैं हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी वजह से हमारा बहुत से सिस्टम्स होते हैं जिनको दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर ससलर ने 12 तरीके के टिश्यू रेमेडी और बायोकेमिक साल्ट खोजा था, उनकी बारे में मैं आपको आज चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि क्या होते हैं। पहला साल्ट जो होता है वो कैल्केरिया फास होता है, दूसरा कैल्केरिया फ्लोर होता है, कैल्केरिया फ्लोरिका जिसको बोलते हैं कैल्केरिया फ्लोर CaF2 जो होता है, और तीसरा जो होता है वो कैल्केरिया सल्फ होता है, जिसको कैल्केरिया सल्फुरिका बोलते हैं। फिर अगला साल्ट होता है वो नमक से बनता है, नेट्रम म्यूर होता है, NaCl होता है, नेट्रम म्यूर जो होता है। जो अगला साल्ट जो होता है वो नेट्रम सल्फ होता है, जो नेट्रम ग्रुप का है। और जो छठा नंबर साल्ट होता है वो नेट्रम फास होता है, नेट्रम फास। इस तरह से 6 साल्ट हो जाते हैं। 7वां साल्ट की जो बारी आती है वो पोटेशियम जिसको बोलते हैं, काली सल्फ है, काली फास है और काली म्यूर। इस तरह 9 साल्ट होते हैं जो हमारे कैल्शियम और नेट्रम सोडियम और काली पोटेशियम के ग्रुप में होते हैं, 9 साल्ट हो जाते हैं। ये 3 जो हमारे बेसिक साल्ट और बचते हैं, जिसमें से एक होता है सिलिका, साइलिसिया, या SiO2 बोलते हैं, साइलिसिया। और जो 10वां साल्ट होता है वो हमारा जो बेसिकली है वो मैक फास होता है, और 12वां जो साल्ट लास्ट साल्ट होता है वो फेरम फास होता है, जो आयरन रूप में होता है हमारी बॉडी में। तो इन्हीं 12 हमारे शरीर में जो जरूरत पड़ जाती है, अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनका अगर आप लोग डॉक्टर की एडवाइस से लेते रहेंगे, सप्लीमेंट करते रहेंगे, एक होम्योपैथी चिकित्सक को पता होता है कि आपको क्या देना है, इसीलिए कोई भी बीमारी होती है तो आप अपने आप दवा मत लीजिए, प्रॉपर केस चेकिंग कराइए और अपने निकटतम कोई होम्योपैथी चिकित्सक है उससे आप ले सकते हैं, उससे आप परामर्श ले सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक कर दें, और मेरे 4D हेल्थ रिस्टोरेशन सेंटर के चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और जो बिल का जो है उसका बटन आप दबा दें, जिससे हम अगर हम आपको वीडियो बनाते रहें तो आपको बारी बारी से मिलती रहें। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।